संगवारी रे तुर बिना जिए नहीं सको, संगवारी रे तुर बिना रहे नहीं सको। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी भाई मल्ला। मैं आप मन के गोकुल साहू और आप मन देखा था अपन चैनल मोर में आरू। तो संगवारी हो, आज हमारे साथ में है संजय नारंग जी, जिकर एक गाना संगवारी रे तोर बिना रहे नहीं सको, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो रही से। और अभी वो गाना है इंस्टाग्राम में, और पिछले जो टिकटॉक रही से उस समय बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही से और अभी भी चला थे। तो संगवारी हो, आप मन हाँ भैया ला अभी तक देखे नहीं रहे हुआ, काबर की गाना तो सुना था मगर ओकर सिंगर कौन हरे। तो आज भैया के जर्नी के बारे में जानबो, और भैया हाँ इतना बड़े मुकाम कैसे हासिल करी से और शुरुआत कैसे करी से ओकर बारे में जानबो। तो संगवारी हो, देर न करते हुए अब इंटरव्यू स्टार्ट कर सन। तो सर, सबसे पहले तो आप मन के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी। तो सर, सबसे पहले तो आप मन ये गीत संगीत से कैसे जुड़े हुए कर बारे में बताते, कैसे मन में विचार है इसकी कला के क्षेत्र में जाना है करके। मोर शुरू से संगीत के प्रति बहुत रुचि रही से जी जी। और मैं बचपन से स्कूल में भी पढ़ाते रहे हूँ, तीसरी कक्षा पढ़ाते रहे हूँ और लास्ट में दसवीं कक्षा पढ़े के बाद में बंद कर दें पढ़ाई लिखाई ला। तो शुरू तीसरी कक्षा से मैं 15 अगस्त 26 जनवरी में गीत गायन के काम करते रहे हूँ, और स्कूल में मोला फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज मिलते रही से जी जी। और शुरू से गाना के प्रति बहुत इच्छुक रही से मोर मन है, तो मैं वही फील्ड में घुस गए। फिर ओकर बाद में पढ़ाई लिखाई कम्प्लीट करे में हाँ, फिर सन 2004 में मैं हाँ रायपुर आया हूँ। रायपुर आके मैं कुछ कुछ काम करत भी रहे हूँ, वही चलते चलते सन 2008 में मैं हाँ एक अच्छा गुरुजी मोर मिली से, ओकर नाम रमजान सज्जाद अली है, जेकर माध्यम से मैं सबसे पहले हिंदी गाना गात रहे में हैं। किशोर कुमार, कुमार सानू के गीत ला मैं हाँ गाऊँ। ओकर बाद धीरे 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 सन 2010-11 में मैं हाँ छत्तीसगढ़ी फील्ड में उतरे हूँ। तो सबला पहली एक कार्यक्रम रही ऑर्केस्ट्रा चलत रही से, वो ऑर्केस्ट्रल देखे मैं हाँ, तो वहाँ एक गाना के फरमाइश करे मैं कि मोले एक गाना गान दे इसे करके जी जी। तो मन कुछ नाम से मना कर दी नहीं दान इसे करके। अच्छा। फिर मैं उस दिन सोच लिया कि एक न एक दिन ये मंच में मैं प्रस्तुति दूँ इसे करके। अच्छा। फिर वो एक समय ऐसे और 8-10 साल के बाद में फिर मैं वही मंच में रात भर प्रस्तुति दे हूँ। अच्छा। तो ऐसे मोर संगीत के दौर चलती रही से, और आज ओकर प्रसादे मतलब बहुत अच्छा मुकाम मिली से, बहुत अच्छा जिंदगी चलत मोर। तो संगीत माता रानी सरस्वती ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जेकर माध्यम से आज मैं यहाँ पर हूँ। जी सर, आप मन की जन्मभूमि? मोर जन्मभूमि है ग्राम भैंसा, खरोरा थाना पड़ते। अच्छा। जिला रायपुर जी जी। वहाँ के रहिए मैं प्रॉपर, और यहाँ रहना मोर अमलीडी में होते अभी रायपुर अमलीडी। अच्छा अच्छा। तो सर, आप मन के पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुए? मैं 10वीं पास के बाद मैं छोड़ दे हूँ, सन 2003 या 2004 में मैं 10वीं कंप्लीट करी हूँ। 10वीं पास हुए ओकर बाद में बहुत ज़्यादा गरीबी परिस्थिति रही से घर में, वो समय बहुत गरीबी ही रही से दौर है। तो शुरू से एक उद्देश्य रही से कि कोनो ला तकलीफ दे के सुख के हासिल नहीं करने इसे करके, अभी भी वही मोर सोच है। तो ओकर नाम से मैं पढ़ाई लीला थोड़े से हट गए हूँ, पढ़ाई लिखे में खैर बहुत अच्छे रही से मोर, सभी कक्षा में बढ़िया मोर मार्क आत रही से, लेकिन ओकर नाम से मैं पढ़ाई ला छोड़ दें। तो सर, अभी आप मन के बहुत ही अच्छा संगवारी रे सॉन्ग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो से। हमारे जो युवा पीढ़ी के भाई बहन है वो मन बहुत ही ज़्यादा रील्स वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाई से वहाँ, और अभी भी चला थे वीडियो है। तो वीडियो के वो सॉन्ग के बारे में बताते हो कुछ, और दो लाइन सुना देते हो। वो सॉन्ग जो संगवारी रे गीत है, ये गीत ला हमार आदरणीय बड़े भैया दास मनोहर गीत लहरिया जी है लिखी से गीत ला, और ये गाना में संगीत कंपोज करी से परवेश खान जी है जी, जो बहुत अच्छे संगीत अरेंजर है। और ये गाना ला काकरो सुरता काकरो मयम बनाए रहे हमार भैया दास मनोहर और मैं दोनों को मिल के, और वो गीत ला मैं अपन के बीच में थोड़े से गा के गुनगुना के सुनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा गीत है। संगवारी रे तुर बिना जिए नहीं सको, संगवारी रे तुर बिना रहे नहीं सको। कहना मोर मान ले सिर तुन जान ले, कहना मोर मान ले सिर तुन जान ले, तुर बिना रहे नहीं सको। संगवारी रे तुर बिना जिए नहीं सको, संगवारी रे तुर बिना रहे नहीं सको। ये गीत रही से बहुत सुंदर भैया।
सर ये सॉन्ग ला कितना साल हो गए? ये सॉन्ग ला मैं हाँ सन 2013 में गाया हूँ। अच्छा, सन 2013 में। और आज के समय में भी ये बहुत ही ज़्यादा चला, बहुत चलत है गाना है, और मिलियन में गाना है, बहुत हमन है कर शूटिंग ला भी मुश्किल से आधा घंटा में करे हन, और बहुत ज़्यादा वो रही कि गाना चल जाए, इसे नहीं रही से दिमाग में, लेकिन मैं दुलारमी से लोगन मन के गाना चली से हमारे किस कुर्रे भाई है जी है, ये वीडियो ला पिक्चर के हीरो है, वह क्रिया पिक्चर के हीरो है जी भैया है किस कुर्रे, और वैष्णव करके एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है जी जी। वो दोनों को मिल के आधा घंटा में कर वीडियो कम्प्लीट करी से जी जी। तो बहुत अच्छा कर आउटपुट किस गाना के, अभी भी मिलियन में चलत गाना। तो आगे आप मन के अगला एल्बम कौन से आने वाला है सर? मोर बहुत सुंदर गीत अभी आने वाला है, एक गीत है मैं और वैजयंती यादव दोनों को ही गाए हैं गीत ला जी, जी जी गीत के बोल है ए संगी रे, कुछ दो लाइन हो जाती सर गाना के, बहुत अच्छा सुंदर धुन बने हैं और मैं और वैजयंती दोनों को लिखे ने गीत ला जी जी, वो गाना मैं गा के आप मन के बीच में रखना चाहूँ। ए संगी रे संगी, ए संगी रे संगी रे, ए संगी रे संगी रे, ए संगी रे तोर सुरता मोला, ए संगी रे रही रही सुरता सता, ए संगी रे संगी रे, ए संगी रे संगी रे, ए संगी रे। बहुत ही अच्छा सर। तो सर जैसे कि आप गीत संगीत के अलावा और कुछ काम बूता करता हुआ अगर बारे में बताते? मैं हाँ गीत संगीत के बाद में दिसंबर भर तो लगातार अभी भी मोर आवाज़ थोड़े से बैठे बैठे आते, 13 दिसंबर से लगातार मैं हाँ कार्यक्रम देवत रहे हूँ, और कोरोना काल के नाम से हमारे मन के कार्यक्रम हाँ, और जनवरी में भी लगातार प्रोग्राम रही से, लेकिन कोरोना काल के गाइडलाइन देखते हुए शासन प्रशासन हाँ निरस्त कर दी, खैर ओकर कोनो बात नहीं है, बट मैं हाँ संगीत के प्रति भी रुचि रखता हूँ, और मोर स्वयं के दुकान भी है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के, और मैं रिपेयरिंग के काम करता हूँ, टोटल LED LCD जितना भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है उसका रिपेयरिंग के काम भी करता हूँ। सर आप मन अलग अलग मंच में प्रस्तुति देवत रहता तो कुछ एकाश संग और सुना देते हो? मोर बहुत सुंदर गीत एक ठकोर ही से जी, ए मोर गोरी सुन तो कहा था वो मैं हुई से लागते जी जी, ये गाना मैं गाक सुनाना चाहता हूँ आप मन के बीच में। ए मोर गोरी सुन तो कहत हवो, ए माया होगे तैसे लागथे, माया होगे तैसे लागथे, खरोरा के तीर मा हवै भैसा मोर गावो, संजय नारंग कही थे मोला पूछता बिनावो, ए मोर गोरी सुन तो कहत हवो, ए माया होगे तैसे लागथे, माया होगे तैसे लागथे, ये गीत है। बहुत ही सुंदर सर। तो सर जैसे कि हमारे जो युवा पीढ़ी के भाई बहन मन है वो मन सिंगिंग स्टार्ट करना चाहते तो शुरुआत कैसे करना चाहिए वो मन कुछ बताते हो? अब संगीत अगर कोनो शुरू करना चाहते वो कल लिए एक बात है कि संगीत ऐसी चीज़ है कि आत्मम बसते जी सर, अब आत्मम जब तक कोनो नहीं बसा करे ना तो वो चीज़ है पूरा नहीं है, मोर सोच के अनुसार से एक हृदय से निकलते संगीत है, तो लोगन से और हमार जितना भी भाई बंधु है या हमार बहनी मन ही कर मन से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि करत हो कोनो भी संगीत के प्रति अपन इच्छा रखा था तो बहुत अच्छा ढंग से कुछ सीखो संगीत के बारे में, ओकर बाद स्टार्ट करूँ तो आप मन लगे अच्छा पद मिले, अच्छा एक मार्गदर्शन, एक अच्छा जगह आप मन पहुँचू, ये सोच मोर। सर आप मन के बहुत सुघर सुघर पंथी गीत भी है तो एक आध हमार पंथी गीत सुना देते हो संगवारी भाई? मोर बहुत सुंदर पंथी गीत अभी रिलीज हुई से जी हाँ क्रिएटिविजन में रिलीज हुई से, गीत के नाम है मोर, वो बहुत अच्छे गीत है, सादा के झंडा है सादा तोर बानी बाबा जी के है जी जी। और मैं हाँ नाम भी मोर संजय नारंग है, सतनामी समाज से बिलोंग करता हूँ मैं जी जी। तो मैं हाँ एक गीत सुनाना चाहता हूँ जी। सादा के झंडा है सादा तोरे बानी, कई थे बाबा तोला अंतर्यामी, कई थे गुरु तोला अंतर्यामी, सत्यलोक मतें हबिराजे, गावत हों बाबा तोर अमर कहानी, गावत हों गुरु तोर अमर कहानी, तोर महिमा लगावा, तोर महिमा लगावा बाबा हाथ जोड़ के,
तोर आरती करत हूँ बाबा हाथ जोड़ के, तोर पूजा करत हूँ गुरु हाथ जोड़ के, तोर आरती करत हूँ बाबा हाथ जोड़ के, तोर पूजा करत हूँ गुरु हाथ जोड़ के। ये गीत से बहुत बहुत अच्छा भैया। तो भैया जैसे कि आप कई भाई मन द्वार्थी सॉन्ग गाते मगर आप मन के जो गीत रहते बहुत सरल स्वभाव के रहते, तो ओ मन ला क्या कहना चाहते हो, कुछ संदेश देना चाहते हो? मैं जितना भी छत्तीसगढ़ के हमार संगवारी गायन के काम करते भैया मन लोग मन ला हाथ जोड़ के मैं विनम्र निवेदन ये करता हूँ कि द्वार्थी कितना मत प्रस्तुति करा, काबर कि द्वार्थी गीत के कोई मान्य नहीं रहा है, काबर हमरे दीदी बहनी भाई बंधु और हमरे सास ससुर सभी को एक जगह बैठ के देखते प्रस्तुति देखते, भाई देवे लोक कला मंच के प्रस्तुति होता जी जी। या गाना के माध्यम से सुनते तो अपन स्वयं जे गाना द्वार्थी गीत ला बनाते तिनकर मन से एक मोर अनुरोध हाथ जोड़ के कि उमन स्वयं वो गाना ला अपन घर में नहीं सुने, उमन हाँ स्वयं वो गीत ला अपन घर में नहीं सुने लेकिन मार्केट में चल जाए इसे करके परोस देते, तो मोर ये है कि ऐसे टाइप पे प्रस्तुति मत दो जे में दिल हट पहुँचे काकरो या काकरो मन से अरे यार ते कैसे टाइप पे गाना गाया है ऐसे टाइप के कोनो हाँ अशब्द शब्द के संबोधित करे, तो मोर भाई मन से अनुरोध है गायक मन से और लिखने वाला मन से कि ऐसे शब्द मत लिखो ताकि ओकर से तकलीफ पहुँचे समाज ला और हमार भाई मन ला। सर आप मन तो अलग अलग जगह प्रोग्राम देते ही हो अभी और अभी कोविड के समय चला थे तो अभी प्रोग्राम तो कुछ दिन पहले चला थे आप मन के, तो सबसे ज़्यादा गाना कौन से डिमांड रहे थे? सबसे ज़्यादा गाना मोर संगवारी रे गाना ला बहुत पसंद करते लोगन मन को गाना डिमांड थे, और एक ठोक तो मोर बहुत अच्छा गीत है नहीं जिए सकम गोरी तोर बिना तोर कसम मर जहूँ रो रो के निकला थे मुर्दम, ये गाना जब प्रस्तुति होते तो लोगन के जितना मंच में बैठे मंच के नीचे जो बैठे रहे थे बिचारी बिचारा मन और मोर दीदी बहनी मन है तिकर मन के आँख से आंसू बहना चालू हो जाते, ये गाना और ये गाना के इतना वो गाना में रस से प्रेम है कि मैं स्वयं गावत गावत एकदम भावुक हो जाता हूँ गीत ला। तो कुछ दो लाइन हो जाते सर? बहुत अच्छा गीत है जी। एक करुणा में गीत है लेकिन अब मैं अंतर आत्मल की चोट के गाता हूँ गीत ला, लेकिन मैं आप मन के बीच में दो शब्द गाता हूँ गाना ला जी सर बिल्कुल। नहीं जिए सकूं गोरी तोर बिना तोर कसम मर जाऊं रो रो के निकलत है मोर दम, रातों दिन मोहनी तोर सुरतिया आँखी आँखी मोर बही झूलत रही थे ना, चारों दिशा मती मोर घूमत रही थे ना, अपन जाने मैं तोला बैरी बनाए तै मोला, अपन जाने मैं तोला वो बैरी बनाए तै मोला, रातों दिन मोहनी तोर सुरतिया आँखी आँखी मोर बही झूलत रही थे ना, चारों दिशा मती मोर घूमत रही थे ना। ये गीत सर जैसे कि पूरा प्रेम रस से भरे हुए हैं तो कोई सोच के गाथ होगा सर? अब माया तो सब लोग होते अपन अपन एक समय रही थे तेकर बीच में, अब माया माहौल हो रही से अब सब अपन अपन घर गृहस्थी में सब व्यस्त हो जाते, तो कुछ वो समय कहानी के बारे में बताते सर पब्लिक ला। अब वो समय कहानी की बात ऐसे सबके अपन अपन लाइफ होती स्कूल लाइफ में सब होते ऐसे टाइप के अब माया प्रीत तो सबके जुड़े सब अपन अपन लाइफ में करते हैं, मोरो एक मायारू रही से जेकर से बड़ माया करते रहे हैं, और खैर वो बढ़िया बिचारी है आज के डेट में अपनों घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए है, अब मुँह बढ़िया व्यस्त हो गए अपन घर की रस्ती में से है। तो आज के समय मुलाकात होते का सर? अभी तो मुलाकात एक बार नहीं हुए, अब भगवान से दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे बढ़िया खुश रहे, और मिले तो नहीं आओ और शक्ल देखे पर तरसता हूँ भाई कैसे दिखते तेला लेकिन मिले नहीं हो अभी तक, मैं कम से कम मोला पढ़ाई लिखाई छोड़े हो गए सन 2003-04 में छोड़े, तब से अभी तक ओला देखी नहीं मैं कैसे तेला। तो ओला सोच के कुछ और गाना लिखे होगा सर आप? मैं हाँ ओकर लिए एक बहुत सुंदर गीत रही मोर एक ठोक गाना मैं सुना के बताऊँ ओकर लिए बहुत सुंदर गीत रही से एक दो लाइन सुनाता हूँ जी बिल्कुल। मनमोहनी माया वाली माया करथौ ना, ए मनमोहनी माया वाली माया करथौ ना, एका जादू डारे रानी तोर बर मरथौ ना, माया करथौ ना,
ये तोर बर मर थौ न मया कर थौ न। बहुत ही सुघर सर। तो सर आप मन के फैमिली में अभी कौन कौन है कर बारे में बताते हो? मोर परिवार में भी मैं हाँ, मोर यहाँ मिसेस है, हमारे यहाँ माँ बाबू जी भी है, और मोर यहाँ हम तीन भाई होथन, तीनों भाई हन, मैं सबसे छोटे हूँ, और मोर यहाँ तीन जन बच्चा भी है, मोर दो जन लड़का है और एक जन लड़की है, और हम अमली टीम रहन, और प्रॉपर गाँव मोर भैसा है, खरौर भैसा, और वहाँ सब किराया वगैरह से दे देन घर में, वहाँ कोनो नहीं रहता, और यहाँ हम सब परिवार ही रहते रायपुर अमली टीम। सर आप मन के खुद के लोक कला मंच है मोर प्रीत के डोरी, ओकर बारे में बताते हो कुछ? मोर प्रीत के डोरी अमली डी रायपुर के प्रस्तुति है जी जी, जे हमन ये संस्था का नाम भी बड़ा सोच के रखे हन, और मोर एक ठो गाना भी एकर हमार प्रीत के बंधना रानी ने छूटना मंच में चलते गाना, तीसरा नंबर के गाना रहते, बहुत अच्छा प्रस्तुति जाते गीत के जी जी। और ये गाना और मैं तो ये कहता हूँ कि लोक कला मंच के प्रस्तुति जहाँ भी होते जितना भी होते हमर छत्तीसगढ़ के धरोहर ला लेके चले, जितना भी कलाकार भाई हूँ मन कुकर मन से मोर हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ये है कि हमर छत्तीसगढ़ के कल्चर ला धार के चले, ताकि हमर छत्तीसगढ़ के कल्चर है धीरे धीरे विलुप्त ना हो। जैसे कि हमर छत्तीसगढ़ के कल्चर में सुआ कर्मा ददरिया पंथी गौरी गौरा ये सब हमर कल्चर है, तो मैं यहाँ अपन प्रस्तुति में हमार मोर प्रीत के डोरी की जो प्रस्तुति होते वो में मैं यहाँ बिल्कुल ये चीज़ ला स्थम है जी जी। कर्मा है, ददरिया है, सुआ है, पंथी है, गौरी गौरा है, जस गीत है, मतलब सभी गीत मला मैं प्रस्तुति करता हूँ। मोर जितना भी कार्यक्रम के प्रस्तुति होते वो बिल्कुल पारंपरिक और हमर छत्तीसगढ़ के धरोहर ला लेके चलता हूँ मैं, मतलब ऐसे कोई नहीं कि मतलब कोई देख नहीं पावे। हाँ मोर प्रोग्राम ला देखे पर तो ऐसे है भगवान के कृपा से ये वो प्रस्तुति जाते कि रात के अगर चालू हो इस प्रोग्राम 11 बजे तो सवेरे तक पब्लिक नहीं हटाए जी जी। काबर मैं सबसे ज़्यादा फोकस हमार दीदी बहन मन ला करता हूँ कि मैं तू अर्थी गाना गावे नहीं करूँ, भोजपुरी भोजपुरी गाना मैं गाऊँ नहीं, काबर कि मोल बिल्कुल पसंद भी नहीं है। हमार कल्चर है, हमार छत्तीसगढ़ के कल्चर है, जे हमार जे धरती में हम पैदा हुए ते कल्चर ला हम जोड़ के चलथन दिल में, वही चीज़ ला हम परसथन ऐसे। तो सर जात जात हमार जो युवा पीढ़ी के भाई बहन मन है वो मन ला ऐसे कोई तीन संदेश देना चाहता हूँ जेकर से मन सफलता हासिल कर सके। मोर एक ठोक सबसे बड़े संदेश ये रही कि हमार जितना भी आज के डेट में तो कोरोना काल के नाम से शिक्षा बहुत ज़्यादा विलुप्त हो जाते हैं ना, तो शिक्षक प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता रखे और शिक्षा ज़्यादा महत्व दे, ताकि एक से हमार छत्तीसगढ़ और पूरा भारत देश आगे बढ़ते है ना, शिक्षा ही मुख्य चीज़ है। तो मोबाइल में 24 घंटा सब लगे रहते वो चीज़ थोड़ा सा इग्नोर करते हुए शिक्षा ज़्यादा प्राथमिकता देवो और अपन माँ बाप की इज्जत करें सम्मान करें, ये बहुत बड़े मुख्य बात होते काबर ओकरे मार्गदर्शन से एक अच्छा योग्य इंसान बनते। तो संगवारी हो आज हमारे साथ में संजय नारंग जी रही से, और अभी अपन कीमती समय दी से कर ले बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मैं हाँ। संगवारी हो आज मोला मोर मयारू चैनल के भाई गोकुल साहू जी है बुला के मोर इंटरव्यू ली से कर ले बहुत बहुत धन्यवाद, और ये चैनल ला लाइक करो सब्सक्राइब करो, हमारे भैया साहू जी ला आगे बढ़ाए कृपा करो। और संगवारी हो अगर आप मन हमार फेसबुक पेज में देखा हो तो फेसबुक पेज ला फॉलो करो, शेयर करो और कमेंट कर बार बिल्कुल झन भुलाऊ। तो फिर से मिलता एक नया वीडियो में, तो आपके लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।